आरती के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े खड़े हो सकते हैं। Thank you.
भगवान की अनेकियां योगा बारे माता के सदाई जटा पड़ा वाला बोल सबके दरबार की तमेव माता जपिता तमेव तमेव बंधु सचा तमेव तमेव संत रविदास जी की आज जयंती है, क्या कहेंगे, क्या पैगाम रहेगा इस मौके पर? आप सनातन धर्म सभा के प्रधान भी हैं, क्या क्या कार्यक्रम आज किए गए? आज का जो कार्यक्रम है शाम को 7 बजे उसको शुरू किया गया। ये रियासी जिला के संघ द्वारा आयोजित किया गया था। सनातन सभा आज बहुत ही सौभाग्य शाली दिन है सनातन धर्म सभा के लिए कि आज पहली दफ़ा जो गुरु रविदास जी का जो जन्मदिन जो उसको बड़े अच्छे ढंग से मनाया गया, जिसमें सबसे अच्छा जो रहा हमारा संगीत का, जो हमारे पंडित जी 2 महीने से आगे भी जहां पे ये शाम को 7 से 8 बजे तक कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो आज उनके द्वारा भी जो प्रोग्राम जितना भी था और आने वाले लोगों को भी रौनक के कारण आज का जो उनका जन्मदिन था बहुत ही अच्छा रहा। और इसके लिए आए हुए जो लोग हैं जहाँ पे उनका भी धन्यवाद हूँ सनातन धर्म सभा की ओर से, तो इसके लिए सब मुबारक के हकदार हैं जी। शुक्रिया पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? मैं जी सर, ये एक संदेश है, संदेश समझिए या फिर इसको एक मेरा अनुरोध समझिए। इस धरातल पर, जमीन पर, इस पृथ्वी पर हर इंसान मोक्ष प्राप्ति के लिए पैदा होता है और अध्यात्म और मोक्ष मुक्ति जो है वो अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ये मेरा समूचे विश्व मानव जाति को एक
एक मेरा अनुरोध है कि अध्यात्म की तरफ तो मुड़े और विश्व विकारों से हटे, और उसका सरल और सबसे उत्तम साधन है भजन संकीर्तन। जैसा भी आता है, जितना भी आता है, मंदिर आपके घर बना हो, अगर ना बाहर जाना चाहे अपने घर में मंदिर में करें और भजन संकीर्तन करें और बच्चों को संगीत की शिक्षा दें, क्योंकि शास्त्रीय संगीत हमारे वेदों से निकला हुआ वो अनमोल रत्न है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। मैं स्वयं उसका अनुयायी हूँ और मेरे 50 वर्षों की हो चुकी है सीखते, अभी भी सीख रहा हूँ। मुझे एक छोटा सा मासूम बच्चा मिलता है, मैं उससे भी सीखने की अपेक्षा रखता हूँ। तो ये सभी बच्चों को, खास करके विद्यालयों में जो बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चियाँ बच्चे हैं, उन्हें शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। ये जो शास्त्रीय संगीत है ये इंसान की आत्मा को पवित्र करता है, अहंकार से बचाता है, गुस्से से बचाता है, विडम्बना ना हो। तो ये शास्त्रीय संगीत जो है शांति देता है, मनोवृत्ति जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, इसमें जो हमारा दिमाग में प्रक्रियाएं चलती हैं, प्रवृत्ति जो है उसको चेंज करता है। लेकिन गलत मैसेज समाज में लोग फैलाते हैं, शास्त्रीय संगीत से बच्चे की पढ़ाई खराब होती है या ये होता है या वो होता है, ये सारी बातें निरर्थक हैं। मैं यही बस कहना चाहता हूँ कि संगीत जितना हो सके कम से कम एक भजन अच्छे से आपको रागों के आधार पर, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी CBSE बोर्ड में भी जो है वो संगीत जो है बिल्कुल वो है उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। और हमारे JK बोर्ड में भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर बोर्ड को कि वे भी अपने स्कूलों विद्यालयों में शास्त्रीय संगीत का एक विषय रखें, भले ही उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखें, लेकिन रखें जरूर और ध्यान दें। अध्यापक गण महोदयों से भी मेरी प्रार्थना है कि वे भी जितना भी आता है बच्चों को संगीत की ओर मोड़ें, ताकि भारतीय संस्कृति जो सभ्यता है वो संगीतमय हो और सुंदरता मन की जो एक शांति है वो, बस मेरी यही प्रार्थना। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आज के इस पावन अवसर पर संत शिरोमणि रविदास जी को शत शत नमन करता हूँ, और जो देश के या प्रदेश के जो भी साधु संत या इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनकी तरफ से मुझे एक जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, सामाजिक समरसता। तो आज का ये जो आयोजन है इसका जो सामाजिक समरसता से, इससे बड़ा आयोजन कोई और नहीं हो सकता। संत रविदास जी की जो वाणी या उनका जो किरदार या उनका जो मार्गदर्शन हमें मिला है वो सामाजिक समरसता की ही एक प्रदर्शनी है, जिसे हम लोगों को जितना हमसे हो सके चिंतन मनन करने का ये मौका है। क्योंकि जब जब भी समाज पर समय के साथ साथ विकृतियां आती हैं, तो ऐसे संत जिन्होंने अपने अपने समय पर अपने अपने कालखंड में सामाजिक एकता का जो उदाहरण पेश किया है, तो आज का दिन जो है वो एक नमन करने का दिन है। और मैं आज के दिन, इस पावन दिन पर सामाजिक समरसता का ही संदेश देना चाहता हूँ, और ऐसे संत जो हैं इनका अध्ययन किया जाना चाहिए, ये समाज से आग्रह करता हूँ और नमन करता हूँ रविदास महाराज को। जी, शुक्रिया। तो सामाजिक समरसता के रूप में देखते हैं इस दिन को, और ऐसे जो स्वामी हैं, संत हैं, उन पर अध्ययन करना चाहिए, ऐसा कहना था दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान संजीव खजूरिया जी का। तो आपको बता दें कि रियासी के सनातन धर्म सभा में आज संत रविदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम किया गया, कार्यक्रम में भजन कीर्तन किए गए और संत रविदास जी को याद किया गया, उनके द्वारा जो बातें कही गई थी उन्हें याद किया गया और उस पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।